नमस्कार दोस्तों, लॉजिस्ट कौन पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक से आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकाल सकते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल ले रखा है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपये, टाइम दे रखा है 3 वर्ष और इसकी रेट दे रखा है 10%, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें इसमें निकालना है। हम शुरू करते हैं। हम एक बॉक्स बना लेते हैं, एक टेबल की तरह बना लेते हैं हम। इस तरीके से बना लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 10,000 रुपये है। इसका जो 10% लेंगे हम, 10% हमें दर दे रखी है, 10% हम यहाँ पर लेंगे इसका 1,000 रुपये, और वही हम यहाँ लिख देंगे 1,000 रुपये, और वही यहाँ लिख देंगे। ये पहले वाला जो रो होता है ये पहले साल के लिए होता है, फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए, और ये थर्ड ईयर के लिए। देखिए इस प्रिंसिपल अमाउंट का 10,000 जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, इसका 10% हमने यहाँ लिया है, और इसी का 10% हम यहाँ पर लेंगे, वो कितना होगा 100 रुपये, और इसी का 10% हम यहाँ पर लेंगे, वो क्या होगा, इसका 10% यहाँ पर 10 रुपये। इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहती है। अगर हम 4 साल के लिए होता यहाँ पर तो चौथा कॉलम बन जाता, चौथा रो बन जाता। अब हम लेंगे ये 100 है, 100 का दोगुना कितना हो गया 200 रुपये, क्योंकि ये वाला जो 100 रुपये था ये 1,000 का था, और ये 200 जो है ये 1,000 और 1,000 दोनों का है। ये अब देखिए ये जो है पूरी लाइन ये है सिंपल इंटरेस्ट की, ये कितना है 3,000 रुपये, और पूरा टोटल जो होगा वो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो अभी देखेंगे कितना होगा। ये देखिए 100 और 200, 300 और 10, 310 रुपये, और टोटल कितना हो गया 3,000 और 310, 3,310 रुपये, यानी इसका आंसर कितना आ गया 3,310 रुपये। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया। अब देखिए आपको पता है पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही रहता है। सेम का मतलब पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट ही लगता है। हम उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कह सकते हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ही कहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब देखिए क्योंकि पहले साल से पहले कोई ब्याज पर ब्याज नहीं होता, सेकंड ईयर में ही पहले साल का ब्याज होता है, उस पर ब्याज लगता है। ये 10,000 अमाउंट है, इसका जो 10% आया है पहले साल में ब्याज वो हो गया 1,000 रुपये, और अगले साल में भी उसका जो साधारण ब्याज रहेगा वही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट वही रहेगा 1,000 रुपये, और तीसरे साल में भी वही रहेगा 1,000 रुपये, और दूसरे साल में जो ब्याज है उसका भी ब्याज आएगा। ये ब्याज क्या है 1,000 रुपये, इस ब्याज का 10% यहाँ पर आया 100 रुपये। अब तीसरे साल में इस 1,000 का और इस 1,000 का कितना ब्याज होगा 200 रुपये, ये वो है, ये है। और इस पहले 1,000 का जो 100% 100 रुपये आया था, इसका 10% कितना होगा ये 10 रुपये। इसी तरीके से अगर हम तीसरे साल का निकाल रहे हैं तो निकाल रहे हैं, इससे जो पहली वाली पूरी अमाउंट है जितनी भी उसका हम यहाँ पर ब्याज ले लेते हैं। इससे पहली अमाउंट एक ये है, और ये है, ये है, ये है, इनका सबका ब्याज आ गया, इसका ये वाला आ गया, इन दोनों अमाउंट का ये आ गया ब्याज, और इसका ये आ गया। तो हमने इसलिए करा था ये, इसे हम रट लेंगे हर बार, ये नहीं सोचेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। अगर हम जल्दी से करना चाहते हैं सवाल को तो ये तरीका रट लेंगे। इसका 10% यहाँ ले लेंगे, इसका 10% यहाँ ले लेंगे, ये तीनों वैल्यू सेम रहेंगी, इसका दोगुना यहाँ कर देंगे। अगर चौथा साल होता तो इसका 3 गुना यहाँ कर देते, क्योंकि ये तीन वैल्यू सेम रहती। अगर 1,000 का 100 रुपये है तो 4,000 का 400, 3,000 का 300, 2,000 का 200, इस तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए सवाल है, ये 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट 1,700 रुपये है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 12.1/2 यानी 12.5% है रही है, तो उसका मूलधन हमें निकालना है। ये सवाल जो हमने पहले करा था, ये वाला सवाल बिल्कुल इसी का उल्टा है।
हमने मूलधन से चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था, सीआई निकाला था, यहाँ पर हम सीआई से मूलधन निकालेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए हमें सीआई दे रखा है 1700 रुपये। हम बॉक्स बना लेंगे वही जो पहले बनाया था, पहले हमने 3 साल के लिए बनाया था, अब हम बनाएंगे 2 साल के लिए। ये पहले साल के लिए है, ये दूसरे साल के लिए है। अब इन तीनों बॉक्स में ये 1700 वैल्यू भरी जानी है, क्योंकि ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, आपको पहले बताया था मैंने, वो चक्रवृद्धि ब्याज हमें गिवन है, सीआई हमें गिवन है। तो वो 1700 रुपये जो वैल्यू है वो इन तीनों बॉक्स में भरी जानी है। अब देखिए हम शुरुआत हमें यहाँ से करनी पड़ेगी। अब हमें पता है इसका जो R% होता है वो यहाँ पर आता है, इसका R% वो कितना दे रखा है, 12 सही 1/2 यानी 25/2% यहाँ पर आना है। इसका मतलब परसेंट से हम कैसे निकालेंगे, 100 से भाग कर देते हैं, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 यानी इसका 1/8 यहाँ पर आना है। जब इसका 1/8 यहाँ पर होगा तो इसका 8 गुना यहाँ भरा जाएगा। आपको इजी है एकदम, समझ आ रहा होगा, इसका 8 गुना यहाँ पर होगा, क्योंकि 1/8 गुना 1/8 यहाँ से यहाँ तक आने में हमें गुणा 1/8 करना पड़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक वापस जाने में गुणा 8 करना पड़ेगा निकल। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 रेशियो, हमें रेशियो के हिसाब से करेंगे, यहाँ 1 रेशियो मान लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ जाने के लिए कितना ज़्यादा गुणा 8 करनी पड़ेगी, तो वो कितना हो जाएगा 8। और जो यहाँ पर वैल्यू आती है वही यहाँ आती है, तो रेशियो के हिसाब से ये कितना हो गया, रेशियो 17 रेशियो हो गया, 8 और 8 16 और 1 17। ये क्या है, सी आई, सी आई कितना की बना हमें 1700 रुपये। जब हम 17 रेशियो की वैल्यू 1700 रुपये है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। अब 1 रेशियो क्या है यहाँ पर, ये 100 रुपये, तो 1 की वैल्यू 100 है, ये भी 1 ही है, यहाँ कितना आ गया अब 100, ये 100 यहाँ पर आ गया। अब 1 की वैल्यू 100 रुपये है तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800, और यहाँ भी 800। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में गुणा 8 करना पड़ा, इसे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जाने में गुणा 8 करना पड़ा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में भी गुणा 8 करना पड़ेगा। यहाँ क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी 800 को हम 8 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 8 64 100 रुपये, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी क्या आ गई, 64 100 रुपये। देखिए हमने उल्टा सवाल करा बिल्कुल। मैं आपको 3 उदाहरण बताऊंगा, 2 मैंने बता दिए, एक और बताऊंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए सवाल है, ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज सी आई और एस आई का अंतर 50 रुपये है, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है 50 रुपये है, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 16 सही 2/3% रही हो, तो मूलधन ज्ञात करना है। देखिए उसी ट्रिक से करेंगे जैसे पहला सवाल करा, इससे पहले वाला हम इसी ही बॉक्स के तरीके से करेंगे। हम बॉक्स बना लेते हैं एक, ये देखिए 2 वर्ष है तो हम केवल 2 रोज़ में बनाएंगे इसे। ये है पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, ये देखिए इसमें दे रखा है अंतर 50 रुपये है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये अगर 3 बॉक्स हैं, जो पहले वाला कॉलम होता है ये किसका होता है, सी आई एस आई का, सॉरी एस आई का होता है कॉलम, और ये टोटल किसका होता है, सी आई का। अब देखिए इन सब में से अगर हम इस सी आई में से, पूरे सी आई में से केवल एस आई का निकाल देंगे तो इन दोनों का डिफरेंस यही तो बचेगा, तो यहाँ क्या दे रखा है, गिवन है 50 रुपये, ये 50 रुपये दे रखा है, और इसका जो दर दे रखी है वो कितना दे रखा है,
सही, 2/3%, मतलब कि 16 3 48 2 50, 50/3%। हम परसेंट को हटाकर हटाएंगे तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे, यानी क्या आ गया इसका, 1/6। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने में हमें कितना करना, कितने से गुणा करनी पड़ रही है, 1/6 से गुणा करनी पड़ रही है। तो वापस जाने के लिए यहाँ पर 6 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर ये 50 है तो ये यहाँ का क्या आ जाएगा, 5 6 30, 300 रुपये आ जाएगा, वो भाई यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने 6 से गुणा करी है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी हम 6 से गुणा करेंगे, 3 6 1800 रुपये। ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए हैं, इन तीनों एग्जाम्पल से आप मोस्टली साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के सभी सवाल कर सकते हैं, सिवाय इंस्टॉलमेंट वाले सवालों को छोड़कर, किस्तों वाले सवालों को छोड़कर। किस्तों वाले सवाल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।